दिन दहाड़े बागियों ने उस वाले गनी को शहीद कर दिया। मौला अली तैयार नहीं हुए, एक दिन चला गया, दो दिन चला गया, तीन दिन चला गया, मौला अली तैयार नहीं हुए। ये तीन दिन मस्जिद नबवी में राफ़ती जो मिस्र के असादियों का इमाम था, अमीर था, वो इमामत करता था। अमीर मुस्लिम में से राफ़ती वो इमामत कर रहा है। सहाबा कराम ने उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ी, सहाबा कराम ने घरों में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। क्या सहाबा कराम को मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने की फजीलत नहीं मालूम थी? क्या सहाबा कराम को मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने का सवाब नहीं मालूम था? लेकिन जब इमाम दुश्मन उस्मान हो, तो दुश्मन उस्मान के पीछे सहाबा ने नमाज नहीं पढ़ी, गद्दार के पीछे, बागी के पीछे। अगर मक्का मदीना के मुसल्ले पर वो कब्जा कर ले तो उसके पीछे नमाज न पढ़ना सुन्नत सहाबा है। तीन दिन के बाद 15 वक्त तो इमामत, 14-15 वक्त की इमामत तो हो गई। बागी के पीछे उसका लश्कर ही सिर्फ पड़ता था, उसके अकीदे वाले उसके पीछे पड़ते थे, सहाबा नहीं पड़ते। मस्जिद नबी में करीब रहकर, पड़ोस में रहकर मस्जिद नबी में नमाज न पढ़ना सुन्नत सहाबा है, अगर इमाम गलत हो। अब गलत इमाम 3 दिन रहा, 14 दिन हजरत अली खलीफा बनने पे तैयार हो गए, अब भी वो मुसल्ले में इमामत पे खड़े हो गए। सारे सहाबा भाग 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 घर से निकल करके मस्जिद नबी में जमा हो गए। वो सहाबा है, उन्हें 3 दिन परहेज करना पड़ा। हम सुन्नी है, 80 बरस से परहेज कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। तो देखा आपने क्या समझा मौला अली ने हजरत उस्मान गनी को, कितना दर्द था, कितना कुर्बत थी। और फिर उस्मान गनी के बाद अगर तलिया है ना, उन्हें खिलाफत दी गई। इमाम हसन है ना, उन्हें खिलाफत मिली। अमीर मामिया है ना, इमाम हसन ने दिया है, वो 56 ईंट के छाती ने नहीं दिया, मुरीदों ने नहीं दिया, इमाम हसन ने दिया। और ये खिलाफत उनके घर की नहीं थी, अमानत मुस्तफा है। नाहिल को देना गुनाह है, और जब दे दिया इमाम हसन ने तो मोहर लग गई। अमीर मामिया तेरा जवाब नहीं, तेरी पीठ पर इमाम हसन का दस्ते मुबारक। और एक चलते चलते अपनी बात, इमाम हसन ने क्या दिया क्या नहीं दिया। हमारा दादा है, हम घर की बात खुल के बोलेंगे, और भी लोगों के वो दादा है वो भी खुल के बोले। गौसे आजम की बात की जाती, ये उनकी किताब नहीं है, ये उनकी किताब नहीं है। 700 साल बाद तू दुनिया में आया, बोलता किताब नहीं है, तेरे को किसने बताया उनकी किताब नहीं है? सिर्फ इसलिए कि गौसे आजम ने अपनी मामिया की तारीफ सब की है, उनकी किताब नहीं है। तो क्या तेरी किताब पे ही मानना है? जब तू गौसे आजम की किताब को नहीं मानता तो हम तेरे खिताब को नहीं मानते। खुल के बोलूंगा, क्योंकि उम्मत को बचाने में मेरे दादा ने पूरी हुकूमत हवाले कर दी। अहले बैत के घर से खिलाफत निकल जाए मगर उम्मत खराब ना होने पाए।
उसकी औलाद हूं जो इत्तेहाद उम्मत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है, खिलाफत दे दी, अब वो बताने जा रहा हूँ जो नहीं दी। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, आपके दिमाग में नहीं आ रहा इसलिए रुक रहा हूँ। इमाम अजहर के बाद दो चीजें थी, कैच करना मजा आ जाएगा। दो चीजें इमाम अजहर के पास थी, एक खिलाफत, दूसरी इमामत। अमीर माविया को खिलाफत दे दिया, इमामत रख लिया। हरे तकबीर, हरे रिसालत। अमीर माविया रजी अल्लाह तआला को खिलाफत दे दिया, इमामत रख लिया। अब उस घर में खलीफा पैदा होते रहे, इनके घर में इमाम पैदा होते रहे। जाने कितनी तादाद में बनी उमैया में खलीफा पैदा होते रहे, उधर खलीफा पैदा हो रहे हैं, इधर इमाम पैदा हो रहे हैं। इमाम हसन इमाम, इमाम हुसैन इमाम, इमाम जैनुल अबिदीन इमाम, इमाम मोहम्मद बाकिर इमाम, इमाम जाफर सादिक इमाम, इमाम हुसैन कासिम इमाम। इमामत पहले बैत ने रख ली, खिलाफत पहले सियासत को दे दी, पहले तकब्बुर को दे दिया, तंजीमकारों को दे दिया, अहलवानों को दिया। मेरे हसन ने सहाबी को हुकूमत दिया, किसी यजीद को नहीं, किसी मरवान को नहीं। जब अहल पाया तो दिया, अरे जो हसन रसूल के हाथों पे पड़ा हो, जो हसन से खातू ने जन्नत का दूध पिया हो, वो खिलाफत देने में चूक कैसे सकता है, हलत को खिलाफत दे कैसे सकता है। जो अच्छा है इमाम हसन की नजर में वही अच्छा है सारे अहले सुनन में। और इमामत ये अहले बैत के यहाँ है, अब गीत गाओ, पैर पढ़ो, अहले बैत का झंडा उठाओ, नजरे करम हो जाए, आपको इमामत अता कर दे। अब अहले बैत किसी को खिलाफत देने वाले नहीं है, इमामत देंगे। मेरी सरकार में जाता है रजा उसको जो मेरा हाउस है और डांडा बेटा तेरा। गाओ क्या बात, रजा उसे मनीषा ने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। कसीदा पढ़ो, वफादारी के गीत गाओ, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा, तू है ये नूर का नूर का। कसीदा पढ़ जो जहां में खादिम आने रसूलुल्लाह कर, हजरत आने रसूल मुख्तदा के वास्ते। ये इस हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अमेंडमेंट कर लें अपने नारे, क्योंकि इश्क मोहब्बत जो है वो आला हजरत की पहचान नहीं, सारे सुनियों की पहचान। ये इश्क मोहब्बत टैक्सी ड्राइवर में भी है, इश्क मोहब्बत मजदूरों किसानों में भी है, इश्क मोहब्बत हर सुन्नी में, अगर इश्क मोहब्बत नहीं तो सुन्नी नहीं। तो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत का तो जवाब होगा अहले सुन्नत अहले सुन्नत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत अहले सुन्नत अहले सुन्नत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत अहले सुन्नत अहले सुन्नत। लेकिन आला हजरत हम छोड़ेंगे नहीं, इसलिए हम आपको मिसाल दे रहे हैं, मुजद्दिद मिल्लत, मुजद्दिद मिल्लत आला हजरत। ये उनकी शान है आला हजरत, आला हजरत। मुजद्दिद मिल्लत, मुजद्दिद मिल्लत आला हजरत, आला हजरत। मुजद्दिद मिल्लत, मुजद्दिद मिल्लत आला हजरत, आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत अहले सुन्नत अहले सुन्नत। जिसका जो हक है वो मिल रहा है वो आप।